नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने ही चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग नया लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप एक नया लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए, ठीक है ना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ लेबर कार्ड दिल्ली के लिए, अगर आप लोग दिल्ली से हो तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एक नया लेबर कार्ड, वो भी ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और उसके बगल में घंटी आती है, घंटी को प्रेस जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगना तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल का जो सर्च बॉक्स आता है आपको यहाँ पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करनी है लेबर कार्ड, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख लिया हूँ लेबर कार्ड ऑनलाइन। आपको ये टाइप करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च पर क्लिक कर देनी है। तो सर्च पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ये पेज लोडिंग लेता है। उसके बाद आपके सामने जो भी रिजल्ट होता है आपके सामने शो हो जाती है। तो देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट शो होता है। तो आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। तो जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको दिखाई मिल रही है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ NIC ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। सॉरी, उसके बाद आप देखते हो कि आपके सामने यहाँ पर फॉर्म A और रूल C3 आपको दिखाई मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई मिल रही है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पर अपना जो भी जिसके नाम पर बनवाना चाहते हैं अपना लेबर कार्ड, तो आपको यहाँ सबसे पहले उसका नाम को फिलअप करनी है। उसके बाद आपकी क्या एड्रेस है, आपको यहाँ पर एड्रेस को फिलअप करनी है। उसके बाद आपकी सिटी जो भी है आपको सिटी को यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपकी जो एरिया का जो पिन कोड्स है आपको पिन कोड डालनी है। उसके बाद अगर टेलीफोन नंबर है टेलीफोन नंबर डालनी है, और अगर आपका ईमेल आईडी है तो आपकी ईमेल आईडी डालनी है। इधर आना है। इधर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देती है कैटेगरी फॉर स्टेबलाइजमेंट, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके स्टेबलाइजमेंट क्या है, जैसे कि शॉप है या फिर रेसिडेंट होटल है या फिर रेस्टोरेंट क्या है, किस जगह पर आप यहाँ पर द पब्लिक एसोसमेंट, ठीक है ना, किसके लिए आप बनवा रहे हैं, ठीक है ना, मैंने कहाँ पर आप काम करते हो। तो यहाँ पर मैंने चलो होटल पर क्लिक कर लेता हूँ सिंपली। उसके बाद आपके जो यहाँ पर होटल्स, आपके यहाँ पर होटल को नाम लिख देनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है स्टेट दिल्ली सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अदर स्टेट को नहीं सेलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद अगर आपकी फैक्स नंबर है तो फैक्स पर डाल सकते हो या फिर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आपकी कोई एक वेबसाइट्स है जिसकी मदद से आप यहाँ पर होटल में किसी को बुक करवा सकते हैं या फिर लेबर कार्ड दिलवा सकते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पर नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आता है जहाँ पर है डिटेल्स ऑफ शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट, आपकी शॉप की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही नेम ऑफ ऑक्यूपाइज एम्प्लॉयज, यानी जिसके नाम पर आप बनवा रहे हैं, ठीक है ना, दुकान शॉप है वहाँ पर इसका आपको नाम डाल देनी है, एम्प्लॉयर का नाम डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी उसके जो फादर का नाम है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना, मिस्टर या मिसेज जो भी, सन डॉटर किसके हैं, तो यहाँ पर सन के नाम पर है तो यहाँ पर सन पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो मैनेजर्स है होटल्स के या फिर जिसका आपका शॉप का मैनेजर है, आपको मैनेजर का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, ठीक है, इस वाले बॉक्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फादर्स एंड हस्बैंड मैनेजर्स, जो भी मैनेजर्स का है उसका हस्बैंड से फादर्स का जो भी है नाम क्या है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सन डॉटर या फिर वाइफ क्या है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना और आपको यहाँ पर दिखाई देती है नेम ऑफ बिजनेसेस, और बिजनेसेस का टाइप क्या है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिस टाइप का बिजनेसेस है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं ऐसे किसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर देखा जाए कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने फ़ोटो और आपकी अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ₹25 का यहाँ से चार्ज कटवाना पड़ता है। उसके बाद आपका जो लेबर कार्ड है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप एक नया लेबर कार्ड बनवा सकते हैं अगर आप लोग दिल्ली से हो तो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आया है, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं और इस तरह नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू, टेक केयर, सन बाय।